हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज का इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे कि उनका क्रिएटिनिन भी कम होगा, साथ में उनका यूरिया लेवल भी कम होगा और उनको पेशाब बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, साथ में उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगेंगे, उनको भूख भी अच्छी लगेगी और उनकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने लगेगी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप किसी का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भी भला नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, आपके रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड्स को जिनको आप जानते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी पक्का इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत हद तक इलाज ढूंढा जा चुका है और आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके इस्तेमाल से किडनी पेशेंट का क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल कम होने लग जाता है और किडनी का GFR लेवल बढ़ने लग जाता है और उसकी किडनी काम करने लगती है धीरे धीरे करके, और उससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उन सभी जड़ी बूटियों के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्नवा की। फ्रेंड, पुनर्नवा बहुत सारी फॉर्म में अवेलेबल है। पुनर्नवा के पत्ते अवेलेबल हैं, पुनर्नवा की जड़ें अवेलेबल हैं, पुनर्नवा का तना अवेलेबल है, पुनर्नवा का पाउडर अवेलेबल है। तो पुनर्नवा आपको कैसा लेना चाहिए, कौन सा पुनर्नवा है जो किडनी रोगी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। जो किडनी रोगी होता है उसको पुनर्नवा रो फॉर्म में लेना चाहिए और उसकी जड़ की फॉर्म में उसको लेना चाहिए, और तने की फॉर्म में मिलेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पुनर्नवा लेकर के आपको उसको आपको अपनी इस बीमारी में इस्तेमाल करना है। आगे मैं और भी जड़ी बूटियाँ बताऊंगा और मैं इन सभी जड़ी बूटियों का आपको इस्तेमाल करना भी बताऊंगा। फ्रेंड, गोखरू जो होता है ये पेशाब को बढ़ाता है और ये डायरोटिक होता है। अगर आपके यूरिन बहुत कम आ रहा है, क्योंकि किडनी फेलियर होने के बाद पेशाब का जो काउंट होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो ऐसे में पेशाब को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपको यूरिन आएगा उतना ही जो एक्सेस फ्लूड है वो आपकी बॉडी से निकलता रहेगा। तो गोखरू इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो फ्रेंड, गोखरू भी कई टाइप के आते हैं, तो आपको हमेशा बड़ा वाला गोखरू लेना है। बड़ा वाला गोखरू आपको लेना है और आज के आपको 4 से 5 दाने ही यूज़ करने हैं दिन में, सिर्फ 2 बार के लिए। 4 से 5 दाने एक बार के लिए यूज़ करने हैं, फिर 4 से 5 दाने दूसरी बार के लिए यूज़ करने हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में गोखरू नहीं लेना है। फ्रेंड, कासनी के जो बीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कासनी के बीज आपके लीवर की समस्याओं को दूर करते हैं, क्योंकि किडनी के रोग के साथ साथ लीवर में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका किडनी और लीवर धीरे धीरे करके कम काम कर रहे होते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो कासनी के जो बीज होते हैं वो आपके लीवर की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं, तो आपको कासनी के बीज लेने हैं। तो फ्रेंड, ये तीनों मेडिसिन को आप ले लेना है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको इसकी मेडिसिन कैसे तैयार करनी है। फ्रेंड, जो पुनर्नवा की जड़ आपने ली थी ये फ्रेंड आपको पिसेगी नहीं मिक्सी वगैरह में, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कूट लेना है, बहुत अच्छे से बारीक करके इसको कूट लेना है। और आपको जो आपका गोखरू था 4 दाने और जो आपका कासनी के बीज थे, इसको भी आपको अच्छे से कूट लेना है, धो करके बिल्कुल अच्छे से महीन करके कूट लेना है, जितना भी आप इसको कूट सकते हैं। उसके बाद आपको 500 ml पानी में इसको डाल देना है और जब पानी 100 ml रह जाए तो इसको छान करके आपको दिन में 2 बार पीना है, सिर्फ 2 बार इसको पीना है, सुबह पीना है और शाम को पीना है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी मेडिसिन की, दवाइयों की वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी।